वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और खाना खाते हैं उनको खाना लग नहीं पाता है खाना सही तरीके से भूख लग नहीं पाती आधी एक रोटी खाते हैं और उठ जाते हैं उनका दिल मचलाता है बहुत ज़्यादा और उपकाई सी आती है खाना खाते टाइम भूख उनको लग नहीं पाती सही तरीके से तो उन कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जाता है इसी के बारे में आपको बताएँगे भूख बढ़ाने के लिए सिरप का यूज़ किया जाता है जब आपकी भूख बढ़ेगी तो आप खाना खाएंगे जब खाना खाएंगे तो मोटे होते चले जाएंगे तो इसलिए गाइस अगर आप भी मोटे होना चाहते हैं आपकी अपनी भूख बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके आप उस जानकारी का फायदा उठा सकें अपने दोस्तों में शेयर कर सकते चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं एडबा डीपिन नाम से सीरब आता है इसका जो कम्पोजिशन दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं सिप्रोहेप्ट्रोटिन दिया गया हाइड्रोक्लोराइड दिया गया है एनसेटरेट दिया गया इन साल्ट से सिरप को बनाया गया है टू हंड्रेड एम की बोतल में आता है ये इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है और ये सबसे मेन चीज़ फ़ायदे जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं टाइप डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वो इस सिरप का यूज़ करते हैं उनको भूख नहीं लगती है और ब्लड बहुत ज़्यादा उनका गाढ़ा हो जाता है तो इसलिए भूख नहीं लग पाती है लीवर से तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में सिरप का यूज़ किया था इसका मार्केट प्राइस की बात करते हैं इसे देख सकते हैं नाइन्टी फाइव रुपये दिया है मात्र बहुत आसानी से आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा ले सकते हैं अब बात करते हैं इसके यूजेस की इसको कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है खाना नहीं खा पाते हैं बिल्कुल आधी एक रोटी खाते हैं मन उड़ जाता है दिल उपका लगता है और बहुत ज़्यादा उपकाई आती है खाना खाने के टाइम या खाना खाने के बाद वो खाना पेट भर के नहीं खा पाते हैं तो उनको खाना लग नहीं पाता है तो उन कंडीशन में इस सिरप का यूज़ सिप्रोहेपन का काम जो है भूख को बढ़ाना होता है ये लीवर में जाके बहुत जल्दी वर्क करता है तो इसलिए भूख बहुत जल्दी लगती है सिरप को लेने के बाद और बहुत जल्दी आपका वेट भी गेन होता है अगर आप तीन सिरप पी लेंगे तो आपका आठ से दस किलो वजन बढ़ जाएगा दस के जी के अंदर अंदर ये तीन सिरप के अंदर अंदर आपको बढ़ा देता है ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार रिजल्ट का सिरप है अगर आपको भी भूख नहीं लगती खाना नहीं खा पाते हैं और खाना से तरीके से एक आध रोटी खा रहे हैं तो मन नहीं हो रहा है तो उन कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको भी भूख लगेगी और अच्छे से खाना खाएंगे इसकी ये, ये सिरप होता है इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कम्पोजिशन भी इसका काफ़ी अच्छा है तो ये टू हंड्रेड एम एल की बोतल में आता है गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप ये डोज की इसकी डोज़ क्या इसकी जो नॉर्मली डोज है गाइज इसको दो तो ढक्कन सुबह दो तो ढक्कन शाम दिया जाता है मतलब टेन एम सुबह टेन एम शाम दिया जाता है सुबह शाम इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में अगर देना है तो बच्चों में आप हाफ हाफ चम्मच सुबह शाम देना है इसको और देखना आप तीन से चार दिन के अंदर बहुत जल्दी भूख लगने लगी आपको खाना भी खाएंगे और बहुत अच्छा फील होगा और अच्छे से तीन चार रोटी खा पाएंगे आप और आपका जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह रही वीकनेस रही थकान रह रही वो दूर हो जाएगी इस सिरप को लेने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट गाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसकी डोज अब बात करें साइड इफेक्ट की इसको लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना है आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं वो नहीं चलाना नहीं रह सकती चक्कर आ सकते हैं थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो सकती है ज़्यादा लंबे समय तक लेंगे तब इसको ये साइड इफेक्ट है या आप अगर ज़्यादा बीपी लो रहता है आपका तब तभी सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे सटेशन होता है थोड़ा आपको नींद सी आ सकती है सिरप को लेने के बाद तो इसलिए आप अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिरप का इस्तेमाल ना करें सो ऐस हमने आपको बताया सिरप के बारे में फुल जानकारी दी आपको यूजेस बेनिफिट साइड इफेक्ट बताया आपको उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो और भी अंग्रेजी दवाई की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा उस वीडियो से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेलकन को दबा दें ताकि आने पहली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके आप जानकारी फायदा उठा सकें ठीक गाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केयर बाय बाय